बोकारो सतनपुर पंचायत के पूर्व मुखिया पर स्थानीय ग्रामीणों व मुखिया प्रत्याशी ने लगाया कई आरोप। बुजुर्ग ग्रामीणों ने कहा कि निवर्तमान मुखिया बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। वही उन्होंने कहा ना तो प्रधानमंत्री आवास मिला ना ही पेंशन मिलता है। इन सवालों को ले जब इस पर मुखिया जी से बात किया गया तो मुखिया पति ने बताया कि उनके द्वारा पूरे पंचायत में हर तरह से सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया गया है। सरकारी स्कूल से लेकर पेंशन व प्रधानमंत्री आवास तक सैकड़ों लोगों को दिलाने का मैंने काम किया है। इसी को ले वर्तमान मुखिया प्रत्याशी ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि फाल्गुनी भट्टाचार्य जी, आप चूंकि मुखिया पति है सतनपुर से, आपकी पत्नी जो है कि मुखिया है, इस बार जब सरकार फिर से चुनाव का घोषणा करने वाली है तो इसमें आप कौन से मुद्दे को लेकर के फिर से आप चुनाव में जाएंगे? चूंकि आप 5 साल पूर्व में भी मुखिया रह चुके हैं, तो आपका क्या मुद्दा होगा और क्या मतलब आपका अचीवमेंट रहा है इस सतनपुर पंचायत? जैसे सतनपुर पंचायत में घर घर सबका राशन कार्ड, इस महामारी में जो हमने सबको घर घर गरीब आदमी को सबको राशन कार्ड का उपलब्ध कराए हैं, उसके बाद मेरे यहाँ पेंशन ना के बराबर था। गरीब को कोई पेंशनधारी था ही नहीं। हम कम से कम 250 से 300 पेंशनधारी का ही कराए हैं। उसके बाद हमारे यहाँ शिक्षा के लिए 10+2 का सुविधा नहीं था, तो हमने रांची से दौड़ के वहाँ जैसे 10+2 स्कूल जो प्यार हाई स्कूल पंचानन राजवाला, जैसे पंचानन मेरे दादाजी का नाम हुआ, राजवाला दादी हुआ, तो यहीं से स्कूल मेरा मैट्रिक 10 तक थे, तो हमने रांची से मुख्यमंत्री को कहा कि यहाँ 10+2 का सुविधा कराएं शिक्षा के इसे भी, और हर तरह का जैसे हेल्थ में भी हर तरह का भी हम लगाए हैं। टीकाकरण के लिए हम बढ़ चढ़ के हम सबको टीका लगवाए हैं। हर चीज में सतनपुर में कोई भी योजना हो, कुछ भी हो, योजना में हर तरह का योजना का लाभ हम सतनपुर में दिए हैं और जनता खुश है। आशा करते हैं जनता तो जनार्दन है, जनता अब जनता के ऊपर छोड़ेंगे क्या, हमारा काम में खुश है तो जनता। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि सड़क में या नाली में पानी के निकास को लेकर के कोई मतलब कार्य नहीं।